एवरीवन, आओ समारे अपना घर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। इस चैनल में हम आपसे शेयर करने वाले हैं ऐसे 5 तरीके जो कि मैं अपने घर को संवारने और सजाने के लिए यूज करती हूँ। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो ठीक है, फिर वो 5 चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने घर को संवारने के लिए यूज करती हूँ। जिसमें सबसे पहला तरीका आता है कि घर की साफ सफाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो फर्स्ट पॉइंट पे हम रखते हैं कि हम डेली घर के किसी भी पार्ट को, किसी भी कोने को, किसी भी जगह को हम डेली उसको रूटीन में रखें कि आज हमें इस जगह की सफाई करनी है। यदि हम डेली कंटिन्यूएशन में इस तरह से करते रहे तो हमारा पूरा घर साफ सुथरा रहेगा। तो ये संवारने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा। सेकेंड पॉइंट में आता है कि हम घर को संवारने के लिए कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसे इंडोर आउटडोर, आपको जिस टाइप के भी प्लांट्स पसंद हों आप उनको अपनी बालकनी में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने रूम में उनको जगह दे सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं। छोटी छोटी केयर हैं जिनसे आप आराम से अपने पौधों की, अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा कि स्टिचिंग वर्क, जो मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा तो नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं रीयूज करती रहती हूँ। जैसे कि पुरानी कुशन्स हो गए, पुरानी बेडशीट्स हो गई, उनका रीयूज करके हम कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी सीरीज में हमने साज सज्जा हैंडलूम नाम से घर पर ही एक छोटा सा स्टोर शुरू किया है, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स खुद भी स्टिचिंग करते हैं, कुछ कराते हैं और कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स हम उसमें रखते हैं, जैसे कि सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट। ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे 100% कॉटन होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में रहते हैं। और ब्लैंकेट कवर हो गया, और कंफर्टर्स, पिलो, बेबी ब्लैंकेट, टॉवल्स आदि। आप अपने हिसाब से भी इनको कस्टमाइज करा सकते हैं, जैसे कुछ लोग फिटेड बेडशीट पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्रिल्ड बेडशीट पसंद करते हैं। टेबल रनर, जो आपके टेबल का साइज हो उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाता है। ये सभी प्रोडक्ट्स हम कम से कम रेट में अपने कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरह से ये रीयूज भी हो जाता है, कुछ चीजें रीयूज हो जाती हैं, कुछ चीजें हम रेडीमेड रखते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ हमारा। फोर्थ पॉइंट में हम करते हैं कि हम DIY कर सकते हैं अपने घरों में। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी अगर यूज करें या लगाएं तो काफी अच्छी चीजें हमारी तैयार हो जाती है। वो जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं या जो भी आर्ट या ड्राइंग मैंने की है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिफ्थ पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, कि घर को संवारने में हम लोगों का खुश रहना, हम लोगों का स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मुझे तरीका लगता है वो है कि 10 से 15 मिनट हम डेली अपने आप को दें। 10-15 मिनट में हम कुछ भी, या तो रीडिंग करें या कोई भी ऑडियो बुक सुने, जिससे कि मेंटली हम स्ट्रांग बने। आप जिस टाइप की चीजें आप सुनना पसंद करते हैं उस तरीके से, मैं मोटिवेशनल थोड़ा सुनना पसंद करती हूँ तो मैं डेली 10 से 15 मिनट वो जरूर सुनती हूँ, जिससे सुबह का समय, सुबह से ही हम चार्ज हो जाते हैं अच्छी तरीके से और अपने घर को पूरी तरीके से मन से उसमें अपने काम को कर पाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के जो 5 तरीके हैं, इन्हीं से कनेक्टेड वीडियोस हम आगे भी आपसे शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको कौन से ये टिप्स और ट्रिक्स जो संवारने की है वो अच्छी लगी, वो आप हमें लिखें और आप भी बताएं कि आप कैसे संवारते हैं, ताकि मैं भी आपसे काफी कुछ सीख सकूं।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।